मुकेश मीणा है और जयपुर का रहने वाला हूँ। एजुकेशन भी वहीं की है, ग्रेजुएट हूँ, सब कुछ है आप लोगों की तरह। लेकिन कुछ चीजें बचपन में समझ में आ गई थी कि करना क्या है, लाइफ में प्रॉब्लम क्या रहती है। हम सब कुछ करना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना चाहते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस में रहना चाहते हैं, हर आदमी का ड्रीम रहता है, लेकिन नहीं पहुंच पाते वहां पे। उसका कारण क्या है? भाई मेहनत सब करते हैं, ऐसी क्या बात है कि पहुंच नहीं पाते हैं? मैं बताता हूँ, एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा, क्योंकि कहानियों के माध्यम से लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है कि लोग कर रहे क्या है और करना क्या चाहिए उनको। दोस्तों एक समझना इस कहानी को, एक घना जंगल है, उसमें राजा कौन, जंगल का राजा कौन है? शेर। अब शेर जो है अपनी पत्नी से बहुत बड़ा प्यार करता था, मतलब उसने भाई ये जिंदगी इसी के साथ गुजारनी है और किसी के साथ नहीं गुजारेंगे। और उसकी पत्नी की जो शेरनी होती है उसकी डेथ हो जाती है, तो बच्चे भी नहीं होते, जब पत्नी नहीं है तो बच्चे कहां से आएंगे। तो अपनी पूरी जिंदगी राज करता है और एक समय बाद में शेर मर जाता है। अब बिना राजा तो राज्य कैसे चलेगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो एक सभा होती है सभी जानवरों की, जिराफ, बंदर, हाथी, घोड़ा, भालू, चीता, जितने जानवर है, लोमड़ी, हिरण, सब आके इकट्ठे हो जाते हैं कि राजा तो चाहिए, बिना राजा तो अराजकता फैल जाएगी, भाई लीडर के बिना काम कहां होगा। आज किसी देश में अगर वहां का शासक नहीं है, चाहे वो लोकतंत्र के थ्रू हो जाए, कैसे भी हो, शासक तो चाहिए, नहीं अराजकता फैल जाएगी, सब अपनी मनमर्जी का काम करेंगे। सब लोगों ने डिसाइड किया, वहां के जो बुजुर्ग थे, जो बुजुर्ग जानवर थे, उन्होंने डिसाइड किया राजा बनाना पड़ेगा, किसे बनाते। अब कोई बोलता है हाथी बढ़िया है, ये शेर के बाद में सबसे बलवान है, कॉन्फिडेंस भी है इसके, इसको राजा बना देते। कोई कहता है घोड़े को बना दो, कोई कहता है हिरन को बना दो, बीच बीच में से बंदर निकल के आता है, राजा तो मैं बनूंगा। अरे बोले रुक जा, तेरे बस की बात नहीं है, राजा का काम बहुत बड़ा होता है। फिर कहता है राजा मैं बनूंगा, सुबह से शाम तक मीटिंग चलती है, हर 5 मिनट में घुस जाता है कि राजा मैं बनूंगा भैया। अब कोई बुजुर्ग से 2-4 जानवर बोलते बोले बना दो इसको, अरे इसको भी देख लेते हैं, नहीं काम करेगा, हटा देंगे अपने हाथ में, इसके पास कौन सी पावर है, अपने बाद अपन इसको कभी भी हटा सकते हैं। तो बोले राजा बना दो, कल सुबह राजा का राज्य पे अभिषेक करेंगे। अब अगले दिन सब बुला लिया जाता है, सिंहासन वगैरह सबको सजा के सब तैयार किया, नया राजा बन रहा है, किसे बनाते, बंदर को। अब बंदर जी की ताजपोशी होती है और बंदर अपने आप को राजा समझता है, करता क्या है, पेड़ पे चढ़ जाता है, फिर नीचे उतरता है, फिर दूसरे पेड़ पे चढ़ जाता है, फिर नीचे उतरता है, फिर पहाड़ पे चढ़ जाता है, वापस नीचे आ जाता है, फिर नदी में कूद जाता है, नदी पार करता है, फिर वापस आ जाता है, फिर जंगल के 4 चक्कर लगाता है, वापस वहीं आ जाता है, फिर कभी इधर भगता है, फिर कभी उधर भगता है, फिर आगे भगता है और फिर पीछे भगता है, पूरे दिन में भगता 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 भगता, शाम की जो सभा होती है उसमें बोलता है देखो मैंने कितनी मेहनत करी। अरे कुछ समझ में आया इस चीज से, हम कर रहे क्या है अपनी लाइफ में, उस बंदर की तरह ही तो काम कर रहे हैं, सुबह चले गए शाम तक भग रहे हैं, लेकिन उस काम का क्या मतलब है, जब तरीका ही हमें पता नहीं रहेगा, क्या राजा का काम